हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत है। देखिए मेरे प्यारे भाइयों एवं प्यारे बहनों, आप लोगों के लिए मैं जो हूँ आज लाया हूँ मात्रक एवं लंबाई, जो मीटर में रहेगा। आप लोग कहिएगा तो मैं सेंटीमीटर में भी इसे बताऊंगा। तो दोस्तों मैं ऐसा बताने वाला हूँ कि एक बार में ही मैं खोपरिया में ठोक दूंगा। तो देखिए एक किलोमीटर बराबर कितना मीटर में होगा, तो एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। समझ रहे हैं मेरा बात? 1000 मतलब 10 × 10 × 10, यानी कि हम लोग लिख सकते पावर एक पावर एक पावर एक, यानी कि 10³। बात समझ रहे हैं? अब आगे देखिए, यही अगर आप लोग कह दिया जाता कि सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुना करते तो 3 × 2 = 5 इतना सेंटीमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर इतना सेंटीमीटर होता। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आप लोगों के लिए मिरियामीटर, तो मिरियामीटर हो जाएगा 10⁴ मीटर, मेगामीटर 10⁶ मीटर, डेसीमीटर 10⁻¹ मीटर, ठीक है, टेरामीटर 10⁻¹२ मीटर, ठीक है। अब है, अब आप लोगों को क्या दे दिया है, ये फर्मीमीटर 10⁻¹५ मीटर, मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, एक एंग्रस्टम बराबर 10⁻¹⁰ मीटर, और सेंटीमीटर में कहेगा तो यहाँ पर आप लोग 8 कर दीजिएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में, और मीटर में पूछे तो 10। एक माइक्रोन बराबर 10⁻¹⁶ या 1 माइक्रोमीटर बराबर भी 10⁻¹⁰ मीटर होता, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻¹⁶ मीटर, 1 मिली माइक्रोन बराबर 10⁻¹⁹ मीटर, उसका 1 ऑटोमीटर बराबर 10⁻¹⁸ मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻¹⁛ मीटर, उसका 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻¹⁹ मीटर होगा, ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻¹⁹ होगा, ठीक है। तो आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा? बहुत ही छोटा वीडियो था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा मुझे विश्वास है। आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना शेयर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।